साथ बोलिए भारत माता की। भाई चुनाव के पहले का सम्मेलन है, आवाज ऐसी होगी क्या? आवाज ऐसी होनी चाहिए दिल्ली से लेकर कल तक कलकत्ते तक दिल दहलने जाने का। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गोवा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सदानंद जी, गोवा के लाडले और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और जिनके जिम में गोवा में तीसरी बार डबल इंजन सरकार बनाने की जिम्मेदारी है, ऐसे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी गोवा भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीपद बाहू, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सीटी रवि जी, उप मुख्यमंत्री गोवा श्री मनोहर जी, उप मुख्यमंत्री गोवा श्री चंद्रकांत जी, हमारे विनय तेंदुलकर जी, संगठन मंत्री श्री सतीश धौन जी, मंच पर उपस्थित गोवा सरकार के सभी मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे हर शक्ति केंद्र से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। मीडिया वालों को सुबह लगा कि मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कॉलेज का शिलान्यास करने आया, मगर मैं आपके सामने कह देता हूं मैं तो आपको मिलने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद जितने भी राजनीतिक दल बने और आजादी के पहले से बने हुए जितने भी राजनीतिक दल चल रहे हैं, वो सब में अपने तरीके की एकमात्र पार्टी है जिसकी आत्मा कोई नेता नहीं होता, जिसकी आत्मा कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता की खुशी। कार्यकर्ता के बगैर भारतीय जनता पार्टी की कल्पना ही नहीं हो सकती। और मित्रों, गोवा ऐसा प्रदेश है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को राजनीति की अस्त्र बहुत समय के बाद मिलना शुरू हुआ, मगर मुझे विश्वास है बहुत लंबे समय तक मिलने वाला है, इसको कोई रोक नहीं, क्योंकि यही गोवा है जो एक प्रदेश है जो पूरे देश को आजादी मिली उसके काफी समय बाद यह आजादी का अनुभव है। आजादी के बाद भी आजादी के लिए यहां संघर्ष करना पड़ा, ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना आत्म बलिदान दिया तब जाकर गोवा आजाद हुआ, चाहे टीबी कुना हो या दयानंद जी हो, ढेर सारे लोगों ने। और उस वक्त हमारे विचारधारा के लोग गोवा के कण कण को आजाद करने के लिए संघर्ष किए हैं, ये रिश्ता है हमारा गोवा के साथ। गोवा के लिए गोवा में सभी राजनीतिक दलों की कोई अलग भूमिका हो सकती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती, क्योंकि देश भर के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने गोवा की आजादी के लिए न केवल प्रस्ताव किया था, संघर्ष भी किया था और अपना बलिदान भी दिया था, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो गोवा के साथ, इसकी आजादी के साथ
और उसके उत्कर्ष के साथ हमारा रिश्ता है और आत्मीय रिश्ता है, और वो आत्मीय रिश्ता से रिश्ते से भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, बंधी है और आगे पर भी इसी के आधार पर चलेगी। मित्रों, आज कोरोना काल के संकट से उभर कर हम यहां सब एकत्रित आए हैं। आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के कई सारे मुद्दे हैं। मुझे किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस ने किया हुआ 60 साल का शासन और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन, इसकी तुलना करने में कोई संकोच नहीं है। एक और 60 साल का शासन और एक बार एक और भारतीय जनता पार्टी का शासन, दोनों मिलाएंगे तो हमारा पलड़ा भरी रहेगा, इसका मुझे विश्वास। सब लोग कहते हैं डबल इंजन सरकार। मैं आज कार्यकर्ताओं के सामने हूं, डबल इंजन सरकार तो आप लोग बना देते हो मगर कुछ डिब्बे कम हो जाते हैं। होते या नहीं होते हैं, जरा बोलो भाई, होते या नहीं होते हैं? इस बार कम डिब्बे वाली सरकार नहीं चाहिए, पूर्ण बहुमत की कमल के निशान वाली सरकार बनाने के लिए चुनाव के लिए। पूर्ण बहुमत का मतलब स्थिरता होता है, पूर्ण बहुमत का मतलब निर्बाध शासन करने का अधिकार, पूर्ण बहुमत का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त शासन का अधिकार, पूर्ण बहुमत का मतलब अंत्योदय की कल्पना को जमीन पर चरितार्थ करने का शासन है। पूर्ण बहुमत किस लिए चाहिए? दो एमएलए ज्यादा है, कम है, सरकार है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर मुझे बताइए, मोदी जी को पूर्ण बहुमत न मिला होता तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होता क्या? जोर से बोलिए, होता क्या? और जोर से बोलिए, होता क्या? पूर्ण बहुमत ना मिलता तो धारा 370 हटा सकते थे क्या? हटा सकते थे क्या? और पूर्ण बहुमत ना मिलता तो 7 ही साल में देश को इतने विकास के रास्ते पर ले जा सकते थे क्या? एक जमाना था कांग्रेस के शासन के अंदर इस प्रकार की सरकार चलती थी, मिली जुली सरकार चलती थी और हंसी आए ऐसी सरकार चलती थी। एक सरकार ऐसी थी जिसके सभी मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानते थे और प्रधानमंत्री को बिचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता। पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले भ्रष्टाचार, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान नीचे 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 का, आए दिन हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी होती रही, कोई बोलने वाला नहीं। इस सारी परिस्थिति से मोदी जी ने देश को बाहर निकाला। कोरोना जैसी महामारी आई, दुनिया भर में चर्चा थी, दुनिया भर के विकास के और हेल्थ के विषय के पंडित कहते थे कि भारत जैसे देश में क्या होगा जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्भर है, गांव में कोरोना पहुंच जाएगा, कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे। मगर आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी और सही दिशा की लड़ाई कोरोना के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी लड़े हैं हमारे देश के लिए। अरे क्यों हो पाए? वो इसलिए हो पाए कि पूरी दुनिया में लड़ाई सरकारें लड़ी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तो लड़ी ही लड़ी, 130 करोड़ की जनता भी लड़ाई लड़ी, इसलिए और सफलता। आज पूरे देश के आंकड़ों की मीमांसा करने वाले पंडित इसको देखते हैं चकाचौंध, किस प्रकार से सफलता हर क्षेत्र के अंदर। कल ही गति शक्ति का कार्यक्रम कर आजादी के 75 साल इस माल को, अमृत महोत्सव है आजादी का और 75वें साल में 100 साल के बाद देश कैसा होगा इसकी कल्पना मोदी जी ने देश के सामने रखी है, इसको कहते हैं नेता। मित्रों, 100 साल जब आजादी के होंगे तब देश कैसा होगा, एक गति शक्ति के माध्यम से मोदी जी ने पूरे देश के सामने कल्पना की। और कोरोना की हम बात कर रहे थे,
कोरोना में मैं तो भाई प्रमोद सावंत को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 100% टीकाकरण करने वाला 100% वैक्सीनेशन वाला सबसे पहला राज्य गोवा। और मैंने पूछा गाड़ी में जाते थे 30-40 मिनट थे, मैंने कहा भाई डॉक्टर सावंत बताओ यार 100% तो हो गया पहला टीका, दूसरे में कि और जोर से लगे हैं दूसरा भी 100% कर देंगे, इसमें जरा भी कमी नहीं। बहुत बड़ी बात है, हर एक नागरिक को ढूंढकर उसको समझाकर गांव में जाकर घर में जाकर अस्पताल में जाकर टीका लगाना और उसको कोरोना से सुरक्षित करना। ये झील के बगैर नहीं हो सकता है, जीव के बगैर नहीं हो सकता और ये संवेदनशीलता के बगैर भी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति में अगर संवेदनशीलता है तभी जाकर ये हो सकता है और हमारे गोवा के अंदर ये हुआ है। हम आजादी के अमृत महोत्सव के साल में हैं और आजादी का अमृत महोत्सव इसमें देश के सामने कई सारे संकल्प, मगर गोवा भाजपा वाले ने, गोवा भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने आजादी के अमृत महोत्सव का तो अपना अपना जो संकल्प लेना है लीजिए, परंतु एक संकल्प जरूर लेना है कि इस बार मिली जुली सरकार नहीं चाहिए, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी। कितना खूबसूरत प्रदेश, कहा जाता है भगवान परशुराम ने इस प्रदेश की रचना करी और ऊपर से जब देखते हैं तो लगता भी है इतनी खूबसूरती शायद ही किसी प्रदेश को ईश्वर ने दी हो। पूरे भारत का नक्शा देखते हैं तो दूर से देखकर ऐसा लगता है कि भारत माता के कपाल पर गोवा नाम की एक बिंदिया लगी है जो माता को और उस गोवा को वो बिंदिया को खूबसूरत बनाने की, संपूर्ण विकसित बनाने की, उसके कुदरती सौंदर्य को संभालने की, उसका संरक्षण और संवर्धन करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। और इसलिए तीसरी बार यहां सरकार में आना है, आगे की सरकारें देखी, कांग्रेस का अप्रोच भी देखा है। सबसे पहली सरकार कांग्रेस ने ही यहां तोड़ी थी और मित्रों मैं इतना कहना चाहता हूं कांग्रेस का शासन पूरे देश भर में देखा है, इसलिए कांग्रेस धीरे 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 देश में समाप्ति की ओर जा रही है। कई सारे चुनावों को देख लो, गोवा के अंदर जो हुए, गोवा के अंदर जितने भी चुनाव हुए हम जीते। अभी अभी जो चुनाव हुए मैं गिनाना नहीं चाहता, विगत 5 साल में चुनाव हुए सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिला पंचायत हो, तहसील पंचायत हो, म्यूनिसिपालिटी। परंतु ये रिकॉर्ड त्रिमासिक परीक्षा में अच्छा परिणाम आएगा, 6 मासिक परीक्षा में अच्छा परिणाम आएगा, प्रीलिम में अच्छा परिणाम आएगा और वार्षिक परीक्षा में नहीं आएगा तो क्या करोगे? वार्षिक परीक्षा में अच्छा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो जनता से वार्षिक परीक्षा में सर्टिफिकेट लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना है और इसीलिए आज शक्ति केंद्र के लोगों को बुलाया है। क्या आज हम एक संकल्प ले सकते हैं कि हमारे शक्ति केंद्र के ऊपर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जितने भी बूथों में भारतीय जनता पार्टी को यश नहीं मिला वो बूथ पर 10-10 परिवारों की पर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी हम तय करेंगे? ये ले सकते हैं क्या संकल्प? मैं आपको पूछ रहा हूं भाई, खाली हाँ बोलने के खातिर मत बोलना, मैं तो काउंटिंग के बाद भी आऊंगा, मुझे जरा भी आलस नहीं है। ले सकते हैं क्या? और वो 10 परिवार को समझाने का काम, वो 10 परिवार को भाजपा के साथ जोड़ने का काम, वो 10 परिवार को आत्मनिर्भर भारत के मोदी जी के स्वप्न के साथ जोड़ने का काम, वो 10 परिवार को जब भारत की आजादी की सती मनाई जा रही होगी एक कल्पना के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्य उनको समझाना पड़ेगा किस प्रकार से दल बदल से सरकारें चलती थी, भ्रष्टाचार होता था, विकास का नामो निशान नहीं था।
कितना बड़ा परिवर्तन ला दे। आज मैं यहां आया हूं, परिकर जी को याद नहीं करता तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, परिकर जी को जब पार्टी ने कहा कि आपको इस देश का रक्षा मंत्री बनना है, तब उनकी बहुत इच्छा गोवा छोड़ने की नहीं थी, परंतु पार्टी ने कहा, उन्होंने किया और 2.5 साल के कालखंड के अंदर एक अमीर छाप छोड़ा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रक्षा मंत्रालय के थिंक टैंक का नाम मनोहर परिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। परिकर जी का नाम अनुसंधान और विश्लेषण संस्थान ने इसलिए रखा है क्योंकि 2.5 साल के अंदर इन्होंने रक्षा मंत्रालय में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। मैं दो बातें जरूर गिनाना चाहता हूं। एक, सालों से सेना की डिमांड थी कि वन रैंक वन पेंशन हमें मिले, मगर नहीं मिल रही थी। असंभव असंभव असंभव, अधिकारी भी असंभव कहे, जो रक्षा मंत्री बने वो भी असंभव कहे। परिकर जी आए, मोदी जी के नेतृत्व में वन रैंक वन पेंशन का काम उन्होंने समाप्त कर दिया और आसमान का सामना। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय गोवा की धरती के सुपुत्र ने लिया और हमारी तीनों सेना के जवानों का आज हौसला जो बुलंद है उसमें वन रैंक वन पेंशन के निर्णय के लिए भागीदारी। और दूसरा काम, जब हमारे सेना के जवानों को उड़ी में जिंदा जला दिया गया, पहले मनमोहन सिंह के वक्त भी ऐसा होता था, कई बार हुआ, अन्य सरकारों के वक्त भी हुआ, मगर कोई जवाब नहीं दिया। एक स्टेटमेंट आ जाता था, या तो विदेश मंत्री का या प्रधानमंत्री का, हम सहन नहीं करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। मगर इस बार सरकार बदल चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री थे और मनोहर परिकर रक्षा मंत्री थे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर इतना कठोर जवाब दिया कि सालों तक कोई नहीं। बहुत बड़ा फैसला था, इसने दुनिया को भारत के लिए सोचने का, नजरिया बदलने का काम किया। खैर, फिर राजनीतिक कारणों से मनोहर जी को फिर यहां आना पड़ा और दुर्भाग्य से कैंसर ने मनोहर जी को हमसे छीन लिया। प्रमोद जी मुख्यमंत्री बने और उसी को प्रमोद जी ने आगे बढ़ाते हुए ये 10 साल के कालखंड में गोवा को परिवर्तित करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। और गोवा के लिए मोदी जी ने बहुत, गवर्नर देना है तो गोवा से देंगे, रक्षा मंत्री भी गोवा से दिया, युवा नेता गोवा को दिया, हमारे मेरे साथी है केंद्र में मंत्रिमंडल में भी गोवा से, 2 सीट होती है इसमें से 1 मंत्री बना देते हैं। कोई राज्य का 50% का रेशियो नहीं है, है भाई बताओ, है क्या? अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहे, मोदी वन में भी रहे, मोदी टू में भी रहे, या नहीं रहे? ताली बजा दो एक बार साहब। मैंने कहा इस प्रकार से गोवा यूनिट ने जीतने की एक परंपरा बनाई। 2019 में उपचुनाव आया, 4 में से 3 हम जीत गए। जिला पंचायत का चुनाव 2020 50 में से 33 सीटें जीत गए। नगर पालिका चुनाव 2021 11 में से 9 विजय प्राप्त। पर जैसा मैंने कहा, अब वार्षिक परीक्षा है और इस बार मैं मन से कह रहा हूं, मैं तो देश भर में कार्यकर्ताओं से मिलने वाला कार्यकर्ता हूं, पद के कारण कई लोग जय भाई बुलाते हैं, मगर मैं आपके जैसा ही कार्यकर्ता हूं, क्योंकि मेरी करियर की शुरुआत शक्ति केंद्र से की नहीं हुई थी, मेरे बूथ से हुई थी, मैं बूथ समिति का अध्यक्ष। राष्ट्रीय जनता पार्टी का
बना सकती है, देश का गृह मंत्री भी बना सकता है। मगर मैं आपसे मन से बात करने आया हूं, ये एक डबल इंजन सरकार में कुछ डिब्बे जो छूट जाते हैं ना, कुछ सीटें कम पड़ जाती है, ये कमी इस बार पूरी कर देती है। और वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, गोवा के लिए भी जरूरी, जिसको लड़ना है वो अपने सिंबल पर लड़े, बहुमत प्राप्त करें। या आयराम गायराम की क्या बात करें, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार दे दीजिए, मैं आपको बताता हूं विकास की गति दो गुना करने की जिम्मेदारी हमारी। क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार का एक प्लेयर है, उसका कई फायदे होते हैं और उसके कारण पारदर्शिता भी आती है। मित्रों, मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन किया, 7 साल के अंदर, 7 ही साल, और कांग्रेस के 60 साल, हमारे 7, कांग्रेस के 60, कितना बड़ा परिवर्तन है। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था, मोदी जी ने तय कर लिया हर घर में कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। आज 7 पूरे देश में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर में बैंक अकाउंट नहीं है। गोवा में भी हर घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम समाप्त। हम सबको लगेगा बैंक अकाउंट से भला क्या होता है, मगर जो गरीब है, गरीब विधवा है, उसको विधवा सहायता का जो राशि मिलता है, इसके लिए बिचौलिए पैसा मांगते थे, मनी ऑर्डर आधा हो जाता था उसका, अब सीधा मोदी जी एक क्लिक करते ही इनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। देश के 11 करोड़ किसान एक क्लिक करते ही 6000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। वृद्धावस्था का पेंशन एक क्लिक करते ही इसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। स्टूडेंट का वजीफा, उसकी फीस, स्कॉलरशिप एक क्लिक करते ही इसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाते। बीच में से बिचौलिए समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया, ये जनधन अकाउंट। 60 साल शासन किया कांग्रेस ने, 20,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली का खंभा भी नहीं था, बिजली छोड़िए तार भी नहीं था, खंभा भी नहीं था। 60 साल मोदी जी ने 7 साल के अंदर हर गांव में बिजली पहुंचाई, और मैं दावे से कह सकता हूं हर घर में बिजली पहुंचाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। करोड़ों लोगों के घर से अंधेरा समाप्त कर उजाला डालना, ये बहुत बड़ी एक गरीब आदमी का बूढ़ा बाप बीमार है और वो पंखा कर देता है तो उसके आत्मा को इतनी शांति मिलती है। एक बच्चा तेजस्वी है, बुद्धि प्रतिभा दी है, मेहनत करने की वृत्ति दी है, मगर घर में बिजली नहीं, वो पढ़ नहीं पाता था। आज एक 100 का लट्टू भी मां लगा देती है, वो बच्चा बेचारा इसके नीचे पढ़ लेता है, और जब वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में दाखिला पाता है तब हमें मालूम नहीं होता इसके घर में बिजली पहुंचने से क्या हुआ। 10 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंचा गया, 10 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं। भाइयों की चिंता छोड़ दीजिए, माताओं बहनों बेटियों का क्या होता है, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी शर्म आती होगी, कितना अपमानित महसूस करते होंगे। देश के कोई प्रधानमंत्री को इसकी चिंता नहीं आई कि भाई क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी ने 10 करोड़ माताओं के घर में शौचालय पहुंचाकर उनकी शर्म को खत्म करने का काम किया है, उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार। 2 करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है, पूरा खर्चा 60 करोड़ लोगों। और अब हमने तय किया है कि अगली बार मैंडेट लेने जाएंगे उसके पहले हर घर के अंदर नल से जल पहुंचा कर जाएंगे। गोवा में भी ये काम समाप्त, और देश में सबसे पहले गोवा में समाप्त। मित्रों, 60 करोड़ लोगों का कोई था ही नहीं, उसको लगता भी नहीं था कि मेरे देश आजाद हो गया, मुझे क्या फर्क पड़ा।
आज कोरोना का काल ठंडा है, सब लोग काम पे नहीं जा सकते थे, जिनकी बचत होती है वो तो प्रॉब्लम में नहीं थी, मगर रोज कमाकर रोज खाने वाले लोग खाए थे। दो साल से मोदी जी, दो साल में बारह महीने मतलब 24 महीने से 12 महीना 80 करोड़ लोगों को पर व्यक्ति 5 किलो मासिक, हर महीने 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो फ्री में गोवा को भी मिल रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री सारी स्कीम गांव में पहुंची या नहीं पहुंची इसका हर महीने एक बार गांव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चेकिंग करते हैं, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जनता का यहां पर्ची नहीं आएगी, आप वहां चला जाइए, तो गोवा सर्विस का कोई ना कोई एक अधिकारी सर हर शनिवार को वहां जाता है और सरपंच के साथ बैठकर ये सारी योजनाओं का रिव्यू करता है। मित्रों, एक पूर्ण बहुमत मिला इसलिए मोदी जी इस 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाए, देश को दुनिया के देखने का नजरिया। जो विदेश जाते हैं ये तो सेलरों का प्रदेश है, अब पूछना पहले भारत का पासपोर्ट दिखाते थे क्या रिएक्शन आता है, और आज भारत का पासपोर्ट दिखाते ही मुंह पर हंसी आ जाती है वो विदेश वाला कर्मचारी का, और कहते हैं कि मोदी जी के देश से आए हैं। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने वो इसलिए कर पाए कि पूर्ण बहुमत की सरकार देश को, अटल जी के बाद अटल जी 11वें नंबर पर इकोनॉमी को छोड़कर गए, एक पायदान ऊपर नहीं चढ़ा पाई कांग्रेस की सरकार 10 साल, 11वें नंबर पर स्थगित था मनमोहन सिंह के स्वभाव के अनुसार, एक पायदान ऊपर नहीं चढ़े। मोदी जी आते ही 11 नंबर से बढ़कर 6 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर 6 नंबर हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्वप्न 2024 के पहले मोदी जी जरूर पूरा करेंगे और दुनिया के तीसरे इकोनॉमी भारत का जो कल्पना रखा इसके अंदर देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान, रोजगारी का समाधान, बेरोजगारी का उन्मूलन, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना, देश को दुनिया में सबसे अग्रिम पंक्ति में प्रस्तावित करना, ढेर सारे लक्ष्य एक ही आत्मनिर्भर भारत के और मेक इन इंडिया के नारे के अंदर समाप्त हो, और वो इसलिए कर पाते हैं कि आप लोगों ने, देश की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दो बार पूर्ण बहुमत दिया, दो बार। मित्रों, मैंने पहले कहा ढेर सारे ऐसे हमारे आइडियोलॉजिकल मुद्दे थे जो हर चुनाव घोषणा पत्र में आते थे, आप 1950 से लेकर 2019 तक का घोषणा पत्र निकाले, 370 होगा ही होगा, राम जन्मभूमि होगा ही होगा, ट्रिपल तलाक बंद करेंगे होगा ही होगा, अब मुझे बताओ 24 में छाप पाएंगे क्या? छाप पाएंगे नहीं, छाप पाएंगे रिजॉल्व हो गया, क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार। मैं आपको कहता हूं गोवा में एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना दीजिए, आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार का गोवा की जनता को भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार देकर देखिए, एक गोवा को हम मॉडल स्टेट बनाकर रखेंगे, बन ही चुका है, अगर आपकी कल्पना भी नहीं होगी इस प्रकार का मॉडल स्टेट। छोटा सा प्रदेश, थोड़ी मेहनत की जरूरत है, एक दिशा की जरूरत है, और एक दिशा तभी आती है जब पूर्ण बहुमत आता है। मित्रों, मैं मानता हूं कि मोदी जी ने ढेर सारे काम किए, अभी अभी उन्होंने कहा है शुरू किया है 5 लाख लोगों के टूरिस्टों के वीजा की फीस माफ कर दी, सबसे बड़ा फायदा गोवा को होने वाला है कल से, 15 तारीख से जो चार्टर फ्लाइट में टूरिस्ट आते थे इसकी परमिशन भारत सरकार ने दे दी है, आपके यहाँ सबसे ज्यादा चार्टर फ्लाइट मिलते हैं। टूरिज्म के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को
10 लाख रुपए का लोन छोटे छोटे लोग टैक्सी ड्राइवर उसको सरकार की गारंटी पर देने की बात, गाइड को भी 1 लाख रुपए का लोन सरकार की गारंटी पर मिलेगा। और इस प्रकार से ढेर सारी विकास के भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आप लोगों जानते ही हो। कुछ लोग यहां आ जाते हैं, हम फ्री में ये कर देंगे, फ्री में वो कर देंगे, फ्री में वो कर देंगे, ये फ्री में कर देंगे, भाई क्या समझ रहे खैर हुआ को फ्री में कर दोगे मतलब क्या है, इसके कारण आपको वोट मिल जाएंगे। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो उचित कर तो ले मगर गोवा का विकास करे और भ्रष्टाचार न करे, हमें ऐसी मुफ्त में देने वाली सरकार नहीं चाहिए। सम्मान के साथ जनता को जीना सिखाए और जनता के विकास में भागीदारी करे ऐसी सरकार जो गोवा को जानते नहीं, जिन्होंने गोवा को देखा नहीं, वो लोग आज यहां कर बात करते। मित्रों हमारे पास ढेर सारे काम है, जनता के घर घर में जाना पड़ेगा कि 10 साल में हमने क्या किया है। मैं आपको गारंटी देता हूं 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। आप सीना तान कर मस्तक उठाकर लोगों के बीच में जा पाए, इस प्रकार का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोना कोना बाईपास हाईवे 21 किलोमीटर तक का सिर्फ 7 किलोमीटर रह गए हैं। जुआरी नदी पर 8 लेन का पुल का निर्माण चल रहा है। गोवा में 100% घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचा दिया है। गोवा सरकार ने वर्णा औद्योगिक एस्टेट में भारत में अपनी तरह का पहला समुद्री सीपीआर के अंदर और पॉट के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नेशनल हाईवेज को 4 लेन और 6 लेन बनाने के लिए अब तक सिर्फ 5 साल के अंदर 6,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया है, जिसमें जुवारी ब्रिज और पहुंचबार गलीबा गलगीबाग तालपुना कोलवाले ब्रिज ऐसी प्रमुख परियोजनाएं हाथ में ली है। 2022 तक ये पूरा हो जाएगा और इसके बाद गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर से देश में सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य अपना गोवा बनेगा। परिकर जी ने गोवा राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की रचना करी थी, इसके माध्यम से ढेर सारे
आइकॉनिक तीसरे मंडोवी ब्रिज समेत बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और गोवा को तीन चरण में लगभग मोदी जी ने 26,600 मैट्रिक टन गोवा के गरीबों को भेजा था। इसमें से देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत मतलब 96% गोवा ने गरीबों के लिए। मित्रों ढेर सारे काम, एक 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठा दूं तो भी मेरी लिस्ट खत्म नहीं होगी, मगर सवाल है इसको ना गोवा के नागरिक तक कौन ले जाए, अखबार से जाएंगे क्या, ये नई नई पार्टी आई थी उस तरह से व्हाट्सएप से जाएंगे क्या, हम भारतीय जनता पार्टी के बारे लोक संपर्क और लोक संग्रह ये हमारी विशेषता है। लोगों के घर जाना, उसकी कठिनाइयों को सुनना और सरकार को देना और सरकार की योजना के लिए इसके घर में जागृति लाना, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम। और जो कठिनाई लेकर आ पाओगे इसको सरकार योजना में तब्दील कर कठिनाइयों को दूर करें। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं कर रहा, डेवलपमेंट के काम की बात कर रहा हूं। मित्रों हमारा काम है कि हमने जो किया है, मोदी जी ने जो किया है, मोदी जी ने देश के लिए जो किया है, मोदी जी और प्रमोद सावंत की जोड़ी ने गोवा के लिए किया है, उसको गोवा की जनता तक पहुंचाना। और भारतीय जनता पार्टी आप मानकर चलेगा और किसी प्रचार के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकती, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कार्यकर्ता के पसीने और कार्यकर्ता के लोक संपर्क के माध्यम से। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना, कितनी सभाएं होगी, कितनी ग्रुप मीटिंग होगी, कितने पर्चे लगेंगे, कितने बैनर लगेंगे, कितने पोस्टर लगेंगे, कितनी एडवर्टाइज आएगी, इसके आधार पर नहीं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी गोवा के हर नागरिक को करबद्ध निवेदन करे कि एक मौका हमें और दे दो, पूर्ण बहुमत की सरकार दे दो, हम गोवा का पूर्ण विकास करना चाहते हैं। ये अपील से ही मतदान के दिन सुबह 6 बजे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मतदान की व्यवस्था करने के लिए अभी से गट पद्धति से काम करना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस जैसे चुनाव लड़ाने में माहिर और मंझे हुए कार्यकर्ता आज इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में कभी हमारे पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, महाराष्ट्र में कभी भी हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना था, देवेंद्र जी के प्रदेश अध्यक्ष रहते वो स्वयं महाराष्ट्र के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। पार्टी ने इतना बड़ा रणनीतिकार गोवा के चुनाव जिताने के लिए भेजा है, सिटी रवि खुद संगठन के कार्यकर्ता, अन्य पार्टियों में संगठन से सरकार में जाने की दौड़ लगती, यहां संगठन बन रहा था, पार्टी ने उनको पूछा, वो मंत्री थे, तुरंत ही इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस प्रकार के दो नेताओं के हाथ में पूरे चुनाव का नेतृत्व है, मगर वो दो नेताओं का हाथ मजबूत करने का काम यहां मेरा जो शक्ति केंद्र का इंचार्ज बैठा है, इसके नीचे जो मेरे बूथ का इंचार्ज है और इसके नीचे बूथ की टोली है, वो भी कर सकता है। आज इसीलिए आपको यहां पर बुलाया था, मैं भी मिलना चाहता था और आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार केवल और केवल आप ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता, ये सभागार में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बना सकता। मुझे बताइए आज नवरात्रि के 9वें दिन पर दुर्गा की पूजा हम करते हैं, विजय का संकल्प लेते हैं और कल विजयादशमी है, विजयादशमी के दिन कहते हैं कोई मुहूर्त देखने का जरूरत नहीं होता है, विजयादशमी का पूरा दिन शुभ माना जाता है क्योंकि उसी दिन प्रभु श्री राम ने विजय प्राप्त किया। आप मुझे बताइए भाई आज इस सभागार से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लेकर और अपने शक्ति केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए कठोर परिश्रम करकर परिश्रम की पराकाष्ठा करकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का हम संकल्प करेंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है? अभी भी सुनाई नहीं पड़ता है? मित्रों इस संकल्प ही हमें विजय दिला सकता है और कोई
एक बार मेरे गांव में गीता पर एक प्रवचन हो रहा था। मैं बहुत छोटा था, माताजी जोर जबरदस्ती गीता सुनने के लिए ले गई और 7 दिन तक प्रवचनकार ने गीता पर प्रवचन किया। मेरे मन में छोटा सा सवाल आया कि माँ, युद्ध का मैदान हो, चारों और घोड़े हाथी और इतनी सेनाएं हो, इतनी लंबी गीता कृष्ण भगवान कैसे कही होगी? ये तो मुझे तो संभव नहीं लगता, इतनी बड़ी लंबी गीता अर्जुन को कैसे समझाई होगी युद्ध के मैदान में। तो माँ ने कहा कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को गीता नहीं समझाई। जब जब अर्जुन से मिलते थे तब बातें करते थे, श्री कृष्ण ने सिर्फ शायद उस वक्त कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ही वाक्य बोला होगा, हे अर्जुन उठ और अब तक जो मैंने कहा है वो सब चीजों का स्मरण कर, गांडी हाथ में ले और विजय प्राप्त कर। आपको भी कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। यहां से उठने के बाद, संकल्प लेने के बाद अपने शक्ति के अंदर और बुद्ध के अंदर जाकर विजय के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करिए और मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की गोवा में पहली बार हम सरकार बनाए, ये संकल्प लेकर आप सब जाए। यही मेरी आप लोगों से विनती भी है। मेरी बात समाप्त करने के पहले विजय के संकल्प के लिए जोर से भारत माता की जय का जयकारा लगाना चाहिए और हमारे संकल्प को और दृढ़ीभूत करना चाहिए। सब लोग मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.